अध्यक्ष भाई अर्जुन मोदबादिया जी, श्री जयंती लाल परमार, मनीष दोषी जी यहाँ पर उपस्थित, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, देवी और सज्जनों, मैं आज यहाँ गुजरात के अंदर एक हमारा बहुत बड़ा जो देश का संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, उसके गांधीनगर कैंपस के उद्घाटन के लिए आया। अभी कुछ समय पहले हमने उसका उद्घाटन किया। NID देश का एक बहुत बड़ा संस्था है जिसका सम्मान दुनिया के अंदर है। उसको केंद्र सरकार ने निर्णय किया है पे बीच में व्यवधान ना आए, इसके लिए एक निर्णय किया है कि इसको इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर किया जाएगा और शीघ्र ही जो उसका एक्ट है उसको कैबिनेट की स्वीकृति दी जाएगी और पार्लियामेंट से उसको पास किया जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस IIT और IIMs के स्तर पर होगी। गांधीनगर कैंपस के लिए दो नए सेंटर्स केंद्र की सरकार देगी, एक ज्वेलरी रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर, दूसरा ऑटोमोबाइल रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर। दोनों पर 10-10 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तीसरा एक रिक्रिएशन सेंटर भी बनेगा। अभी तक जो कैंपस बना है केंद्र सरकार का, उस पर 30 करोड़ की लागत है। आने वाले समय में 25 करोड़ इस पर और लगेगा। ये स्वीकृति मैंने अधिकारियों को आज दे दी है। गुजरात के अंदर मोबाइल आप कृपया बंद कर लें, सबसे निवेदन। UPA की सरकार ने गुजरात राज्य के लिए निरंतर विकास में सहयोग दिया है। मेरे पास सूची है तमाम उन बड़े योजनाओं की जो कुछ पूरी की गई, कुछ प्रस्तावित है, जिससे इस राज्य में उद्योगीकरण में, रोजगार पैदा करने में, आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। केवल टेक्सटाइल्स के सेक्टर में, कपड़ा के क्षेत्र में केंद्र की सरकार ने, UPA की सरकार ने 13,500 करोड़ अभी तक गुजरात को दिया। इसके साथ साथ पिछले साल 7 प्रोजेक्ट टेक्सटाइल्स के SITP प्रोजेक्ट, स्पेशल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स को स्वीकृति दी गई। वराज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क खेड़ा, गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क सूरत, मुंद्रा SEZ टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क कच्छ, सूरत सुपर यार्न लिमिटेड सूरत, फेयर डील टेक्सटाइल पार्क सूरत, RJD इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से इन 7 SITP की स्थापना के लिए 790 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। इससे सीधा रोजगार, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 29,000 लोगों को मिलेगी, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 51,438 लोगों को मिलेगी। तो कुल मिलाकर 80,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार इन 7 टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से होगा। आपको मालूम होगा कि एक भारत का और विश्व का एक सबसे बड़ा इंटीग्रेट ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो लगभग देश की 44-45% जमीन के ऊपर से गुजरेगा और 6 राज्यों में। उसमें भारत ने पिछले बरस जो तय किया
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई, राष्ट्रीय निर्माण नीति, उसके लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग का, निर्माण का हिस्सा जीडीपी में केवल 16% है, उसको बढ़ाकर 26% करना और 10 करोड़ रोजगार 10 साल के अंदर, स्किल्ड जॉब्स, 100 मिलियन स्किल्ड जॉब्स इन 10 इयर्स, और उसके लिए इंटीग्रेटेड प्लान्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, जिनको नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है। 24 अक्टूबर 2011 को केंद्र की कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी। दिवाली से एक दिन पहले हमने 7 नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स की घोषणा करी। वो सातों के सातों दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाजू में बनेंगे। उसके बाद 2 और उसमें शामिल किए गए, एक राजस्थान में और एक महाराष्ट्र में नागपुर के पास। इसमें सबसे बड़ा औद्योगिक शहर गुजरात में धोलेरा में उसको स्वीकृति दी गई, नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन इसको घोषित किया गया। 9,990 स्क्वायर किलोमीटर में ये बनेगा। इसमें लगभग 73,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इसमें 3.5 लाख लोगों को मिलेगी, 4.5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जिनको अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा 45 स्क्वायर किलोमीटर में। यहाँ दूसरा जो है एक्सप्रेसवे में, उसमें राज्य की सरकार की भी भागीदारी रहेगी, धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे में। तीसरा, धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जिसमें 4,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। एक हाई स्पीड ट्रेड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनेगा अहमदाबाद से धोलेरा के लिए, उसमें 18,000 से 20,000 करोड़ लगेगा। ये देश का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से हैं। धुलेरा में ही वाटर डीसेलिनेशन का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, और जिसको कमीशन करने के लिए एक ऐसी कंपनी जिसका अनुभव है सिंगापुर की हाई फ्लक्स, उनको कमीशन किया गया। मास्टर प्लान इसकी तैयार हो चुकी, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा केंद्र की तरफ से होगा, जो भी नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन है, और इसको SPB सेल्फ गवर्निंग होंगे ये, जिसमें सारी स्वीकृति सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म, चाहे वो एनवायरनमेंट है, लेबर है, ताकि जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा देश का या देश के बाहर का, उसको एक जगह पर एक एप्लीकेशन पर सारी स्वीकृति मिल पावे। इसके साथ साथ ये सेल्फ गवर्निंग टाउनशिप्स होंगे। भारत संविधान के आर्टिकल 243 QC के माध्यम से ये बहुत बड़ा कदम देश के लिए है। इससे परिवर्तन होगा आने वाले दशकों में, और ये देश के भविष्य में केंद्र की सरकार नीति बनाकर निवेश कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। मेरे पास पूरी जानकारी है अन्य उन संस्थाओं की जो हमने गुजरात के लिए किए हैं। गुजरात में 47 स्पेशल एक्सपोर्ट जोन की स्वीकृति दी गई। गुजरात में 32 हैं, टोटल 47। आजकल गुजरात में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 17 है। उसमें इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 93,000 करोड़ की हुई है, उससे लगभग 45,000 लोगों को रोजगार मुहैया हुआ है। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की कई मिलें जो यहाँ पर बंद हैं, गुजरात में लगभग 44 मिल्स बंद पड़ी थी, जो BIFR के माध्यम से कुछ को रिवाइव करने का प्रयास NTC के माध्यम से हो रहा है। NTC ने
राजनगर की टेक्सटाइल मिल को हमने मॉडर्नाइज किया। मैं स्वयं यहाँ पर आया था 10 दिसंबर को 2011 में जब उसका उद्घाटन हुआ, और वो बिल्कुल एक आधुनिक टेक्सटाइल मिल बनी है जिसमें 36,000 स्पिंडल्स हैं और 200 करोड़ रुपया इस पर केंद्र की सरकार ने दिया है एनटीसी के माध्यम से। मैंने एनआईडी का भी उल्लेख आपको किया। हमारे पास अपीडा, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके 7 प्रोजेक्ट गुजरात को दिए हैं, 2 गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को भरूच और बहुआ में, 4 प्रोजेक्ट्स गुजरात स्टेट मार्केटिंग बोर्ड को दिए गए हैं और 1 प्रोजेक्ट गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन दहगाम में है। इसके साथ साथ केंद्र की सरकार ने हैंडलूम पावरलूम सेक्टर को भी गुजरात में काफ़ी योगदान और सहयोग दिया है। उसकी पूरी जानकारी आपको एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से होगा, क्योंकि विस्तार में जाऊंगा तो सूची बहुत लंबी है। 2,622 यूनिट तो केवल पावरलूम सेक्टर की हैं। हैंडलूम में 9 बड़े क्लस्टर गुजरात के लिए सैंक्शन किए गए हैं, और जो हमने हैंडलूम के लिए बुनकरों के लिए पैकेज दिया है केंद्र की सरकार ने पिछले साल, उसके माध्यम से भी गुजरात में डिसबर्समेंट जो है लोन्स का वो आरंभ हो चुका है। 304 करोड़ अभी तक 63,661 वर्कर्स को गुजरात में बुनकरों को दिया गया है। और ऐसी कई योजनाएं हैं, सिर्फ अब एक का और उल्लेख करूंगा। एक तो यहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी, जो हमारा सूरत में डायमंड इंस्टीट्यूट है, उसका एक सेंटर अहमदाबाद के लिए तय किया है। एक केमिकल क्लस्टर है अहमदाबाद में, एक अंकलेश्वर में, एक वापी में। ये केंद्र सरकार की असिस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे किए जा चुके हैं, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है टेक्सटाइल क्लस्टर नरोल अहमदाबाद में जो 145 करोड़ की लागत से बनेगा, जेम्स एंड ज्वेलरी क्लस्टर सूरत 61 करोड़ की लागत से। तो सारी योजनाओं की जानकारी आपको मैंने दी है, शायद इसमें से कुछ छूट गई है। अब विषय यह है कि ये ज़रूरी क्यों हुआ कि मैं गुजरात राज्य में आऊं और आपको इसकी जानकारी दूं। ये जानकारी आवश्यक है कि यहाँ के लोगों तक पहुँचे। दुर्भाग्यपूर्ण एक जिम्मेवारी के साथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और गुजरात की सरकार को करना चाहिए था, ये जानकारी गुजरात की जनता को नहीं दी गई, बल्कि एक ऐसा अभियान, भ्रामक अभियान, जो तथ्यों को नकारता है, गुजरात के अंदर चल रहा है। हर विषय को लेकर जो तस्वीर सामने रखी जा रही है वो एक गलत तस्वीर है। कोई भी जिम्मेवार मुख्यमंत्री जब अपनी बात कहें वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। हर व्यक्ति जो संवैधानिक पदों पर हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि कोई ऐसा वातावरण ना पैदा करे जिससे जनता में निराशा हो या समाज के अंदर कोई भी वर्ग भड़के या टकराव का माहौल पैदा हो। प्रजातंत्र के संवाद में अलग अलग दल हैं, पर ये भारत देश एक है, हमारी संघीय प्रणाली है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने देश के समूचे विकास के लिए रूपरेखा बनाई है। हम पूरे देश को सोचकर बात करते हैं, भेदभाव नहीं करते, विवाद नहीं करते, आलोचना नहीं करते। अगर हम अपनी बात आपके माध्यम से पहुंचाते हैं लोगों तक, जो आज भी आपने विज्ञापन देखे होंगे,
मैं उस पर भी आऊंगा, आपके प्रश्न होंगे उनका भी उत्तर दूंगा। तो किसी की आलोचना नहीं करें, किसने क्या कहा, हमने सरकारी विज्ञापन में सरकार के पैसे से उसका राजनीतिकरण नहीं किया। पहले दो विषयों पर यहां विज्ञापन देना पड़ा मजबूरन, एक कपास के विषय पर, दूसरा मीट एक्सपोर्ट्स के विषय पर। उस पर क्या कहा गया था आपको मालूम है, पर हमने उसका जवाब राज्य सरकार की और मुख्यमंत्री के नाम लेकर आलोचना कर जवाब नहीं दिया। गुजरात राज्य में एक ऐसी परिस्थिति है जो देश में कहीं नहीं है कि सरकारी पैसे से विज्ञापन दिए जाएं और केंद्र की सरकार पर प्रहार किया जाए। ये देश के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए और भारतीय संघ के लिए बड़े दुख की बात है कि आज केंद्र के मंत्री को एक गलत प्रचार को नकारने के लिए स्वयं आपके माध्यम से जनता से बात करनी पड़ती। यहां कई बातें कही गई, मैं उस हर विषय पे आपको बताना चाहता हूं। पहला ये आरोप कि केंद्र की सरकार, यूपीए की सरकार ने हमारा देश का जो है दुधारू जो पशु हैं वो काट कर और एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, मीट एक्सपोर्ट्स है, उसको सब्सिडी दी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। मीट एक्सपोर्ट्स को कोई सब्सिडी नहीं है। मीट एक्सपोर्ट्स की वही नीति थी जो एनडीए की सरकार के समय थी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और हमने उसका पूरा ब्यौरा दिया है कि कितने लाख मीट्रिक टन उनके शासनकाल में एक्सपोर्ट किए गए थे। मैं उसका ब्यौरा आपको भी देता हूं, विज्ञापन के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया था। कहां है विज्ञापन? खैर मैं अभी आपको विज्ञापन आपने पढ़े होंगे, यही हमने गुजरात के अखबारों में दिया था, इसमें नहीं है भैया। जस्ट लुक फॉर इट। पर उसमें मुझे एक बात कहनी है कि हमने अपने शासनकाल में 2004 में जैसे कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, हमने उसमें सख्ती लाई, हमने सोर्स को रजिस्टर करने की बात की ताकि कहां से मीट आ रहा है वो पूरा का पूरा जानकारी सरकार के पास हो, शासन के पास हो, और उसको रजिस्टर किया जाए। यहां जो दूसरी बात कही कि गाय का मांस कटकर जाता है, गौ हत्या पर भारत में पाबंदी है, सब्सिडी देना दूर, गौ हत्या करने वाले के खिलाफ सख्त कानून है, ये भारत का संविधान। तीसरी बात, हमने एक और नीति बनाई पिछले साल जिसपे काफी आवेदन भी आए कि केवल अपीडा अप्रूव्ड जो एबोटर्स हैं, लाइसेंस्ड, अप्रूव्ड और लाइसेंस्ड या इंटेग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट हैं, उन्हीं के माध्यम से मीट देश के बाहर जा सकता है। यहां का जो प्रचार रहा मुख्यमंत्री का, एबोटर्स को लाइसेंस अब तक जो हर राज्य में परंपरा है, कानून है, वो म्यूनिसिपल कमेटी देती है, जानवर का निरीक्षण राज्य के अधिकारी करते हैं, और अगर कोई अवैध काम होता है उस पर कार्रवाई करना राज्य की सरकार का काम है। केंद्र की सरकार गांव गांव जाकर पशुओं का जांच नहीं करती, हर स्लॉटर हाउस की जांच नहीं करती, किसी स्लॉटर हाउस को केंद्र की सरकार नहीं। अब हमने ये सख्त कानून बना दिया है कि जब तक अपीडा अप्रूव नहीं करेगी, ताकि पूरी जानकारी रहे कि किस राज्य में क्या हुआ है, वही उन्हीं का लाइसेंस होगा, उन्हीं की अप्रूवल होगी, वही स्टैंडर्ड्स
या मापदंड रखे जाएंगे। एक दूसरी बात, गुजरात के अंदर या भारत के अंदर देखें तो हमारे पास पशुओं की जो लाइव स्टॉक है उसकी संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है, राज्य सरकार का भी बनता है कि उनकी रक्षा करें, उनके चारे का पानी का इस्तेमाल करें। गुजरात राज्य में मुझे मालूम हुआ, मुझे बताया गया अर्जुन मुरवालिया जी ने, कि यहाँ तो ग्रेजिंग ग्राउंड ही खत्म कर दिए, जहाँ पे चारा मिलता था, जहाँ जानवर चलते थे। तो मुख्यमंत्री जी को, यहाँ की सरकार को उसके विषय में सोचना चाहिए था। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से, बड़ी गंभीरता से ये बात कहता हूँ कि जो कहा गया इस विषय में वो सरासर गलत और गैर जिम्मेवार। इसी तरह कपास की बात कि यहां का नुकसान हो गया, 2010 के अंदर कपास की कीमतों में देश में और दुनिया में बहुत बड़ा उछाल आया। उसके दो मुख्य कारण थे कि चीन में फसल कम हुई और पाकिस्तान में जो बड़ी बाढ़ आई थी उससे कपास की फसल का नुकसान हुआ, तो कीमतें चढ़ गई। 2011 के अंदर दुनिया के अंदर कपास बहुत पैदा हुआ, अमेरिका के अंदर, चीन के अंदर, बाजू के राज्यों में। भारत दुनिया का एक बड़ा उत्पादक देश है, तो पूरी दुनिया में कीमत टूटी, भारत में भी टूटी। सरकार की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी, आयात निर्यात की नीति राज्य और राष्ट्र के हित को देखकर बनती है, किसान के, टेक्सटाइल मिल्स के, जिनर्स के, हैंडलूम सेक्टर के। टेक्सटाइल सेक्टर इस देश में एग्रीकल्चर के बाद, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा लोग अपना रोजगार टेक्सटाइल के क्षेत्र में पाते हैं। 23% वर्कफोर्स भारत की टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करती है, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन। कोई भी जिम्मेवार सरकार पहले अपने देश की कपड़ा मिलों को, अपने देश के बुनकरों के लिए, अपने देश के यान प्रोड्यूसर्स के लिए कपास उपलब्ध कराएगी और जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस है उसको देश के बाहर भेजा जाता है। और वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस एक बजट के रूप में तय किया जाता है। जिस तरह देश का बजट बनता है उसी तरह देश में हर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का अलग अलग बजट बनता है। चावल का बजट होता है, गेहूं का बजट होता है, राइस बजट, वीट बजट, शुगर बजट एंड कॉटन बजट। और एक्सपोर्टेबल सरप्लस तय किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है बिना किसी पाबंदी के। 2011 के अंदर 2011-12 में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा कपास का एक्सपोर्ट भारत ने किया है, 127 लाख बेल्स। मेरे पास सारी जानकारी है। और जो हम पर आरोप लगा है, उस समय बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में कपास का निर्यात नगण्य था, 3% कॉटन जो पैदा होता था वो एक्सपोर्ट होता था। और जो मैंने आपको अभी आंकड़ा दिया, जिस साल के बारे में आलोचना हुई है, वो 36% कपास भारत का एक्सपोर्ट हुआ है। अब मोदी जी की अगर मैं पूरी सोच से हमारे लोग काम करना शुरू करें तो 44 कपड़ा मिल तो अभी गुजरात की बंद पड़ी है, तो उससे बाकी बंद हो जाएंगे। जब देश का कपास सब बाहर गया था तो महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा था अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए। मैं जानता हूं यहां के मुख्यमंत्री की मजबूरी है, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास नहीं पढ़ा, उन्होंने गांधी के सत्याग्रहों की जानकारी प्राप्त नहीं की। यहां रहते हुए भी अगर जानकारी होती तो जिम्मेवारी से बात करते, संतुलित बात करते, गलत बयानी ना करते।
कोई देशभक्त ये नहीं चाहेगा कि हमारा किसान की मेहनत और यहां का मिल वर्कर का रोजगार सुरक्षित ना रहे। तब चरखा तभी आया था जब मैनचेस्टर और बर्मिंघम में कपड़ा बना था। आज हम कपड़ा बनाकर बेचते हैं, देश के बाहर बेचते हैं। टोटल हमारा टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट $42 बिलियन है, US डॉलर्स। ये मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूं। यहां के मुख्यमंत्री ने और बड़े दावे किए कि गुजरात एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, भारत को हमेशा गुजरात के लिए एक विशेष जगह हम सबके हृदय में रही है। इस गुजरात राज्य ने हमको महात्मा गांधी दिए हैं, राष्ट्रपिता जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। यहाँ सरदार पटेल जैसे नेता गुजरात राज्य ने दिए हैं। गुजरात के बड़े गौरवशाली मुख्यमंत्री रहे। तो सबसे पहले जीवराज मेहता जी, बलवंत राय मेहता रहे, हितेंद्र देसाई रहे, बड़े नाम हैं। उन्होंने हमेशा केंद्र के साथ सहयोग करके यहाँ के विकास के लिए कार्य किया। ये सही है कि हमारे देश में हर राज्य के सामने कुछ विषमताएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, उसके ऐतिहासिक कारण हैं, चाहे वो विकास से जुड़े हैं, चाहे साक्षरता से जुड़े हैं, चाहे गरीबी या पोषण से जुड़े हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां एक बहुत बड़े हर समय एक नगाड़ा बजाया जाता है कि सबसे बड़ा विकास यही हुआ है, देश में दूसरे राज्यों की तुलना में गुजरात बहुत पीछे है। मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं। बिलो पॉवर्टी लाइन कितना प्रतिशत लोग किस राज्य में है? 2001 में थे, 11 में आ गया। तो 2001 का जो सेंसस था उसमें 31.8% गुजरात में बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे। 2011 के सेंसस में 39.5%। अब तुलना कीजिए, आंध्रा में 29.9%, हरियाणा में 24.1%, केरल में 19.7%। तो मैंने जो ये राज्यों का बताया, गुजरात में बढ़ी है संख्या 10% बढ़ी, 8%, और लगभग 40% से कम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। साक्षरता का गुजरात के अंदर पुरुष महिला दोनों मिलाकर 79 हैं, 80 से एक कम, केरला में 94 हैं, महाराष्ट्र में 83 हैं, मणिपुर में 80 हैं, मिजोरम में 92 हैं, तमिलनाडु में 80 हैं, दिल्ली में 86 हैं। हमारे बच्चों का स्कूल का ड्रॉप आउट रेट, कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं पहली और पांचवी कक्षा के बीच में, गुजरात में उनकी संख्या 2009-10 का आंकड़ा मेरे पास है 25.66%। हिमाचल जहां राज्य में मेरा जन्म हुआ था वहां 0.74, 1% से भी कम। महाराष्ट्र में 21%, त्रिपुरा में 25%, पश्चिम बंगाल में 20%, सिक्किम जैसे पहाड़ के जो हमारा बॉर्डर का राज्य है 18.58%। उसी तरह जो छोटे बच्चे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसमें भी गुजरात का पहला दर्जा है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट गुजरात में 44% है, तमिलनाडु में 24% है, पौंडीचेरी में 22% है, मणिपुर जैसे सीमा प्रांत राज्य में 14% है, केरल में 13% है, महाराष्ट्र में 28% है, दिल्ली में 30%। तो ये सारे सही आंकड़े, ये आंकड़े आपको दिए जाएंगे। मेरा यहाँ के मुख्यमंत्री से बड़े विनम्रता से एक
सवाल है कि ये सारे जो मैंने बात कही, ये आंकड़े दिए हैं, जो इतनी बड़ी यात्रा सरकारी खर्चे पर वो कर रहे हैं, इस देश के एक महान सपूत जिनके संस्कार के बारे में, जिनकी सोच के बारे में स्वामी विवेकानंद जो नौजवानों के लिए प्रेरणा है, हम सब के लिए, स्वामी विवेकानंद पूरे देश के थे। जब वो शिकागो में जाके बोले थे, पूरी दुनिया आज तक वो शब्द गूंजते हैं। आप में से कितने लोग वहां गए मुझे मालूम नहीं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस जगह पर उन्होंने अपना वो प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था, उसका हर शब्द हर सीढ़ी पर है टाउन हॉल की, और चारों तरफ जो सीढ़ियां चढ़ती हैं स्वामी विवेकानंद के वक्तव्य से, जो अमेरिका का बच्चा बच्चा, दुनिया का हर व्यक्ति जो वहां जाता है उसको पढ़ता है। इस यात्रा में अगर वो उनके संस्कार को अपनाकर चलें और उनकी भाषा बोलें, गंभीरता और शालीनता ये दोनों से वंचित हैं, तो युवा पीढ़ी को कोई संदेश जाता। पर अभी जो संदेश है वो अपनी राजनीति का है, उसका कहीं उन संस्कारों से, उस सोच से संबंध नहीं है। राजनीतिक प्रचार करना है तो उनके पास कोई बड़ा शख्सियत हो, उनके राजनीतिक दल की, जो गांधी सरदार पटेल के बराबर हो, नेहरू के मौलाना के बराबर हो, तो उस तस्वीर को लेकर चलें, तब राजनीति की बात करें। सरकारी खर्चे पर ना चलें, अपने दल के खर्चे पर करें। विज्ञापन देना है, केंद्र की आलोचना करनी है, तो अपने खर्चे पर करें। गुजरात सरकार की, यहां की जनता के खर्चे पर मत करें, वो पैसा खर्च करें इन चीजों को दूर करने का जो कमियां मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे एक बात और कहनी, यहां कुछ टिप्पणियां हुई पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हमारे गणतंत्र के लिए शोभनीय नहीं है। वाद विवाद तो हमारी परंपरा रही है, चर्चा चिंतन भी रहता, मतभेद भी रहते हैं, राजनैतिक मतभेद भी रहते हैं, वैचारिक मतभेद भी रहते हैं, पर उसको मतभेद सामने लाते हुए, आलोचना करते हुए, शालीनता को, संजीदगी को, गंभीरता को त्याग नहीं करना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण त्याग कर दिया। उनके साथ संवाद में या उनकी बात का उत्तर देने के लिए मैं संवाद को उस निम्न स्तर पर नहीं गिराना चाहता जिस पर उन्होंने इस देश में राजनीतिक संवाद को गिरा दिया। ना मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करता, क्योंकि मेरे जो संस्कार हैं या हमारे कांग्रेस के संस्कार हैं वो इसकी अनुमति नहीं देते। ऐसे शब्द, ऐसी बात जो अशोभनीय है, जो असत्य है, उसका प्रयोग जो बार बार करें, जिसकी दिनचर्या बन जाए, ये इतने बड़े राज्य जिसने इतने महान सपूत इस देश को दिए, ये अच्छी बात नहीं है, दुख की बात है। अभी एक बड़ा निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया, FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल, उस पर यहाँ के मुख्यमंत्री जी का मैंने प्रतिक्रिया सुनी और ऐसी बातें कही, इससे मुझे लगा कि आप बौखलाहट में कहीं हैं या संतुलन खो गए हैं। हमने नीति बनाई है भारत की जमीनी हकीकत को देखते हुए, हमारी डाइवर्सिटी, विविधता को देखते हुए, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को, सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज को, जो आर्थिक और सामाजिक हकीकत है उसको देखकर। दुनिया के दूसरे देशों में मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI है, उसमें कोई शर्त नहीं है। चीन में है, इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है, थाईलैंड में है, दक्षिण अफ्रीका में है, नाइजीरिया में है, ब्राज़ील में है, मेक्सिको में है, दुनिया के लगभग 90 मुल्कों में तो यह है, पर कहीं शर्त नहीं है। भारत एक देश है जिसने शर्त लगाई है, 51% FDI आएगी, 50% गांव में लगेगा, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसलिए कि हम दुनिया के दूसरे दर्जे पर हैं खाद्यान्न उत्पन्न करते हुए, दुनिया के दूसरे दर्जे पर हैं फल और सब्जी के उत्पादन में, दोनों फल और सब्जी मिलाकर लगभग 230 और 240 मिलियन टन के बीच में भारत पैदा करता है।
35-40% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, जो फसल होने के बाद नष्ट हो जाती है, जो कभी मंडी तक नहीं पहुंचती, किसी बाजार में नहीं पहुंचती, किसी रसोई में नहीं पहुंचती। अगर किसान का जो प्राइस रियलाइजेशन है, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ें, वो सबसे कम भारत राज्य में है, देश में है, 12-14%। तो अगर किसान 3 रुपए में कोई चीज बेचता है, वो उपभोक्ता दिल्ली शहर में, मुंबई शहर में 28-30 रुपए में पाता है। अगर किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम मिले, गांव में इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, ग्रेडिंग की, स्टोरेज की, वेयरहाउसिंग की, कोल्ड स्टोरेजेस की, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, एंटायर पूरा फिर वो सप्लाई चेन रेफ्रिजरेटेड होती है कि खेत से निकला है और जहां भी दुनिया में पहुंचेगा खराब नहीं होगा, लाखों रोजगार पैदा होंगे, किसान का फायदा, उपभोक्ता को राहत। तो ये लघु उद्योग के लिए 30% मैंडेटरी है कि नॉन एग्री जो भी खरीदा जाएगा वो एसएमई सेक्टर से खरीदा जाएगा। ये केवल भारत राज्य की पॉलिसी में है, किसी दूसरे दुनिया के देश में नहीं किया। उस पर भी आपत्ति, हैरानी की बात है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता कि हमने सबसे चर्चा करके नीति बनाई, हर राज्य से सलाह करी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने करी, हमारे फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने की, और हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के DIPP जो विभाग है उसने करी। कुछ राज्यों ने इसके पक्ष में कहा, कुछ राज्यों ने इसके विरोध में कहा, कुछ राज्यों ने कहा हम इस पे और सोच विचार करना चाहते हैं। संघीय प्रणाली में, भारतीय संविधान में हर राज्य को बराबर का अधिकार है। कुछ राज्य है जिनकी पुरजोर मांग थी कि हमको अनुमति दी जाए, हम इस नीति को लागू करेंगे। जिस राज्य को संकोच है, विरोध है, हम उनका भी सम्मान करते हैं, और जो राज्य चाहते हैं उनके अधिकार की रक्षा करना भी, उसका सम्मान करना एक केंद्र की सरकार का संघीय प्रणाली में कर्तव्य बनता है। हर राज्य अपने लिए निर्णय कर सकते हैं, कोई एक राज्य दूसरे राज्य के लिए निर्णय नहीं कर सकता, कोई एक राज्य दूसरे राज्य पर वीटो नहीं लगा सकता, ये भारत के संविधान में किसी को अनुमति नहीं है। पर गुजरात और हिमाचल दो ऐसे BJP शासित राज्य थे जिन्होंने चर्चा के समय, कंसल्टेशंस के टाइम में इसके पक्ष में मत दिया था, लिखित में। तो आज जो प्रतिक्रिया आई है उससे मैं अचंभित हूं। हमारे पास ड्राफ्ट कैबिनेट नोट है कि इस राज्य ने, गुजरात राज्य ने इसके पक्ष में केंद्र सरकार को कंसल्टेशन प्रोसेस में मांग की थी, FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल। BJP के नेतृत्व में जो NDA की सरकार थी वो बिना किसी शर्तों के, जिनका मैंने जिक्र किया, ये नीति लाने वाली थी, 100% FDI विदाउट कंडीशंस। ड्राफ्ट कैबिनेट नोट वॉज रेडी, सरकार बदल गई, ड्राफ्ट कैबिनेट नोट सरकार के पास है, वो सरकारी कागज है, और वो सारी कंसल्टेशंस के बाद ड्राफ्ट कैबिनेट नोट बनता है, जिनको शासन प्रशासन का ज्ञान हो। और मैंने कहा है बड़ी जिम्मेवारी से कि मैं इस ड्राफ्ट कैबिनेट नोट को सदन में, भारत की संसद के पटल पर रखूंगा। I shall place it before the parliament for the people to know, provided they allow the parliament to function, which is the highest forum of discussion and debate in a democracy, and the institution of parliament is under assault by an opposition which does not want to discuss anything for the benefit of the people on the floor of the house but outside. Jab charcha hogi, tathya par aadharit hogi, satya samne aayega. पर ये एक तरीका कि सदन को चलने मत दो और गली सड़क पर आकर भ्रामक प्रचार करें, वो ये उचित बात नहीं। दूसरी कुछ टिप्पणियां की जो अशोभनीय है, हमारे नेता सोनिया गांधी जी के लिए बार बार जो कहा जाता है वो चुनकर आती हैं, राजीव गांधी की, हमारे जो शहीद हुए
जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी पत्नी है, इंदिरा गांधी की बहू है, देश की बहू है, और लाखों वोट से जीत के आती हैं, लोग चुनकर उन्हें संसद में भेजते हैं, और कांग्रेस पार्टी की चुनी हुई अध्यक्षा है। राहुल गांधी के बारे में कहा गया, राहुल गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, वो कब से सेवा में लगे हैं, जनसेवा में, संगठन की सेवा में, चुनकर आते हैं वो लाखों मतों से, 4 लाख वोट से, 3 लाख वोट से, कोई वो नामांकित सदस्य नहीं है, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। अब उनके बारे में ऐसी टिप्पणी कि वो तो बाहर से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, अरे वो देश की जनता जब उनको चुनकर भेजती है, इस सलाह की हमको जरूरत नहीं है, इसी से मुझे शक होता है कि बौखला गए हैं, संतुलन बिगड़ गया है। कहीं ना कहीं अगर संतुलन बिगड़ गया तो ये चिंता का विषय है गुजरात राज्य के लिए भी और पूरे देश के लिए। पर इनको मेरी एक सलाह जरूर है कि अगर ये इतने विशाल आकृति इनकी हो गई और सोच हो गई, इनका कद इतना बड़ा हो गया, तो देश के बाहर की तो मैं इनको सलाह नहीं दूंगा, इनको तो कई जगह पे बेचारे जा भी नहीं पाते, पर ये अपने देश के अंदर उत्तर प्रदेश में, बिहार में कहीं जाकर चुनाव लड़ लें। राहुल गांधी तो गुजरात में भी आकर चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, पर ये स्वयं जाकर अगर चुनाव लड़े, अगर इनको कहिए कि बिहार में चले जाएं, एक लोकसभा लड़े, पहले तो नीतीश कुमार जी का क्या उस पर रवैया होगा, क्या उनका रिस्पॉन्स होगा, प्रतिक्रिया होगी, वो भी सोच लें। इनको अपने आप को प्रोजेक्ट करने का कुछ शायद शौक है। हर व्यक्ति अपनी सीमा के अंदर, मर्यादा के अंदर बात करे तो अच्छा रहता। अब उनका कद बहुत बड़ा है, देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम के रूप में तो ये खुद अपनी पेशकश करते हैं, और इनके कुछ एक दो चहेते लोग कहते हैं, पर ये दुर्भाग्य इस देश का तो कभी होगा नहीं, मैं इस चर्चा में जाना नहीं चाहता। पर उसको तस्वीर बदलने के लिए, छवि बदलने के लिए, कभी हैट लगाकर तस्वीर खिंचवाएं, कभी ओवर कोट, यहाँ तो बड़ी गर्मी रहती है, यहाँ तो कोट भी नहीं डल सकता ज़्यादा समय, हैट और कोट, मफलर, और फिर गोल्फ की छड़ी लेकर मैंने इनकी तस्वीरें देखी है। गोल्फ मैंने जानकारी करी, ये गोल्फ खेलना जानते हैं तो बड़ी बड़ी बात है, बड़े प्रोग्रेसिव आदमी हैं, फिर इनकी सोच क्या है जो हैट भी डालते हैं गोल्फ की छड़ी की, सिर्फ फोटो खींचने के लिए गोल्फ की छड़ी उठा। तो एक ऐसा व्यक्तित्व है, बड़े विचित्र व्यक्तित्व है इनका, भाषा शैली तो मैंने बता दी है और बाकी कार्य बता दिए, और कैसा सत्य वादन ये करते हैं वो मैंने आपके समक्ष रख दिया। मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि जो मैंने बात आपके माध्यम से कही है यहां की जनता तक पहुंचेगी, और इनका असली चेहरा, असली सोच, असली परफॉर्मेंस, क्या रिकॉर्ड है उस पर यहाँ चर्चा रहे, ताकि गुजरात राज्य में जो बड़े सोच के लोग रहे हैं, जिन्होंने देश को, दुनिया को रास्ता दिखाया है, ये राज्य भविष्य में ऐसा ही कर पावे। धन्यवाद, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कोई